शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग की ओर से लगातार आरोपियों की धरपकड़ शुरू है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पिछले 10 माह में पुलिस ने 100 आरोपियों के खिलाफ मकोका की कार्रवाई की। इसके साथ ही 100 आरोपियों पर MPDA की कार्रवाई की गई। यह पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी सफलता है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि 10 माह में इस तरह की कार्रवाई से बढ़ते अपराध पर रोक लगने में मदद मिल रही है। दुष्कर्म के मामले बढ़ने के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्ष की अपेक्षा ये करीब 5% है। ये मामले करीबी लोगों से अधिक जुड़े हुए पाए गए हैं। शहर पुलिस विभाग में पिछले कुछ वर्ष में सरकारी कर्मचारियों से मारपीट, सेंधमारी, लूटपाट सहित अन्य आपराधिक मामले में कमी आई है। नागपुर शहर में अब थाना स्तर पर पुलिस नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया गया है। पुलिस विभाग में कार्यरत कई अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। अब नए अधिकारियों के आने के बाद उन्हें कहां लगाना है, यह भी एक चुनौती रहेगी। फिलहाल कई पुलिस अधिकारियों का तबादला हो चुका है, उन्हें फिलहाल कार्यमुक्त नहीं किया गया है। हालांकि नागपुर में कई पुलिस अधिकारियों ने तबादले के बाद उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया, वे अपनी जगह पर पहुँच कर पदभार संभाल चुके हैं। हो मागच्या 2 वर्षाच्या काळात आत्तापर्यंत आम्ही 100वा MPDA आदेश आता 2 दिवसापूर्वी निर्गमित केले होते आणि त्याचबरोबर मोकामध्ये पण 100 आरोपी विरुद्ध आत्तापर्यंत कारवाई करण्यात आलेली आहे। याचे मुख्य उद्देश आहे की बेसिक पोलिसिंग एफर्ट्समध्ये जे प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून पोलिसांना जे अधिकार आहेत ते सर्व कायद्याचे योग्य वापर होणे आवश्यक आहे। म्हणून जे लोग असे प्रकारचे कायद्याचे अंतर्गत कारवाईसाठी पात्र आहेत त्याची बारकाईने अवलोकन करून आढावा घेऊन असे प्रकारचे लोकांना सिलेक्ट करून कारवाई करण्यात आलेली आहे। कायद्याची वचक क्रिमिनल्सवर असणे आवश्यक आहे हीच मेसेज आमचे देण्याची प्रयत्न होता आणि खरं त्याचे जे आम्ही सुरू केली होती कारवाई त्याचे रिझल्ट्स दिसू लागलेली आहे। आणि क्राईम्समध्ये मर्डर्स असतील, हर्ट्स असतील, अटेम्प्ट टू मर्डर असतील आणि इतर सर्व प्रॉपर्टी ऑफेन्सेस आणि इतर विषय असतील सर्व हेड्समध्ये क्राईममध्ये मोठ्या प्रमाणात घट दिसू लागलेली आहे आणि हीच डिक्लाइनिंग ट्रेंड पुढच्या काळात पण कायम राहील यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू। आणि अशा प्रकारचे कायदे जे गंभीर कायदे आहेत ज्याचे थोडे स्ट्रिंजंट प्रोव्हिजन्स आहेत त्याचे पण योग्य वापर करून आरोपी विरुद्ध कायदेची वचक स्थापित करण्यासाठी पोलीस प्रयत्नशील आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।